हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी आप बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है सुबह सुबह का, तो सुबह की सारी दिनचर्या। तो ये देखिए, चादर मैंने यहाँ झाड़ दी है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है। बाकी ये सामने के शीशे वगैरह के ऊपर कपड़ा लगाना था, बेड थोड़ा साफ करना था, तो यही सब था रह गया था। और ये मैंने यहाँ पर कॉलिन का कपड़ा लगाया, पता नहीं ये कपड़ा कैसा था, ये धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। उसके बाद पानी से ही मारना पड़ेगा, साफ नहीं हुआ कॉलिन से भी। ये देखिए ब्रांड, ये मैंने कॉलिन से साफ किया था शीशा, और पता नहीं आज इसमें क्या ऐसा हो गया कि धुंधला धुंधला हो गया पूरा साफ, और ठीक से साफ नहीं हुआ। ये देखिए धुंधला सा दिख रहा है। अब इसके ऊपर दोबारा कपड़ा लगाऊंगी मैं, और वहाँ से थोड़ा बैड बैड साफ होएगा। यही सब है अभी थोड़े की सुबह सुबह की सफाई। तो देखिए ब्रांड यहाँ पर साफ कर दिया, तो यहाँ देखिए कितनी धूल मिट्टी है। बच्चा कुछ चूहों ने खून पी के रखा है, ये चूहे तो जीने ही नहीं देते बिल्कुल भी, कितना भी इनका इंतजाम कर लो, दो चार दिन ये नहीं आएंगे, उसके बाद ये फिर आ जाएंगे। और ये हो गई इधर की, तो हो गई देखो जाइए, बचा को जाइए, यहाँ भी धूल मिट्टी है। देखे चूहे भगवान, इन चूहों ने कितना तंग मचा रखा। तो डैस की भी सफाई। तो फ्रेंड ये कपड़ा तो मैंने आज निकाल दिया धुलने के लिए, वो बाद में धुलते ही लगेगा। एक ये पेंटिंग है, इसका शीशा उतर गया था, इसे मैंने रखा हुआ है, लेकिन सही से फिट करूँगी फ्रेम वगैरह। चलो मैं सफाई करूँगी कम से कम। हाँ जी, तोता देखोगे? पापा के मोबाइल से दिखा तू, बताओ है? नहीं फोन तो चाहिए आपको, वो तो मुझे पता है आपका काम तो चलने वाला है नहीं, आप तो शरारती इतने बच्चे हो, वो तो मुझे आपका पता है, आप एक नंबर के शरारती बच्चे हो। कहाँ चढ़ गए हो बेड पर? अभी तो बाथरूम में से आए, गिल्ले विल्ले हो
बेड पे नाचना शुरू कर दिया। तो देखिए फ्रेंड, ये शरारती बच्चा मेरे से मांग रहा है मोबाइल, और मैं यहाँ कर रही हूँ सफाई। तो सोचा मैंने कहा चलो पोछा वोछा लगा देते हैं, बाकी सफाई तो मैंने झाड़ू वाड़ू से तो कर दी थी। और इस पोछे की ये बात है, पोछा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हर कोने में घुस जाता है, हर कोने में घुस के ना ये ऐसा निकाल के लाता है कूड़ा। और सबसे इसका प्लस पॉइंट ये है कि रेता ना हमारे हाथ से रेत बच जाएगा, लेकिन इसके हाथ से नहीं बचेगा, ये तो अच्छा रेत निकाल के लाता है। ए, इसको डिगा मां नीचे उतरा, चलो बच्ची बच्ची जल्दी नीचे उतरा और जाके स्नान करो, चलो बाबू नहाना कर लो, नहाना बच्ची को आती है नहाना। यहाँ ये चल दिया अपना ढोल लेके, आप तो नहा रहे थे बाबू, आप तो नहा रहे थे, है नहा रहे थे आप तो, मतलब कभी धारे लगो, एक मिनट में कपड़े गीले कर लिए, एक मिनट में बदलो, अब यही काम है, पूरा दिन कपड़े ही बदलते रहो इनके, ना कुछ काम नहीं है। पैड में आ गई हूँ यहाँ पे, फिलहाल प्याज काट लिया मैंने सब्जी रख में तड़का लगाने के लिए, और यहाँ बनेगी फलियों की सब्जी जो कि मैंने एकदम कुकर से बाहर निकाल ली है, मैंने उबाल ली थी, तो मैं तो हमेशा ऐसे उबाल के ही बनाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नहीं तो कढ़ाई में धीमे धीमे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ब्रेड में इसमें टमाटर नहीं डालूंगी, ओनली और प्याज में ही बनाऊंगी मैं इसे, क्योंकि हम प्याज में हरी मिर्ची डालते हैं, हरी मिर्ची मैंने फलियों में डाल रखी है, जब फलियाँ काटी थी तो हरी मिर्ची भी काट दी थी, तो ये हो गया ऐसे प्याज। तो फ्रेंड प्याज भून गया मेरा, मैं डाल रही हूँ सब्जी, अच्छे से भून लूँगी थोड़ी देर तक, आके वो सारे मसाले वसाले हैं ना उसे मिक्स हो गए उसमें, वही नमक भी सौंफ धनिया हल्दी ये सब डाला मैंने, स्पेशल तो कुछ नहीं डाला। तो थोड़ी देर तक अच्छे से भून जाएगी, बहुत बढ़िया बनेगी फिर। तो फ्रेंड हस्बैंड को नाश्ता कराने के बाद अब मैं जा रही हूँ मंदिर, तो ये हो गया मेरा लोटा तैयार मंदिर जाने के लिए, जो कि ये भी मेरी एक काम का और मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ उन्हें आपके जल चढ़ाने के लिए। सौंफ धनिया फैलाने के लिए जो कि सूख जाएंगे और फिर मिक्सी के जार में हम इन्हें पीस लेंगे। सर सौंफ धनिया ना हम घर का ही पीसते हैं, मार्केट से नहीं खरीदते सब तरह, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसमें मिलावट आती है, इसलिए हम हमेशा अपने घर का ही पीसते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारे सिवान से उल्टे उल्टे काम, ये पोलोथीन फाड़ दी इस लड़के ने फेंक के, इतना गंदा बच्चा है ये, तो हम कुछ ऐसा फैला देते हैं तो ये सूख जाएगी ना, इसको हम अच्छे से मिक्सी में कर देंगे। और आधी सौंप इधर पन्नी के अंदर, और आधी यहाँ देखो इसने क्या करा, फाड़ के धनिया में मिला दिया सौंप। ये
ये देखिए फ्रेंड, इस छतरी के ऊपर मैंने दुपट्टा डाल के दोनों फैला दिए, सौंफ भी धनिया भी। अब इसको शाम को उठाऊंगी अगर बारिश ना हुई तो। बारिश हो गई, फैला फलू के चल दी हम नीचे, सूख जाएगा हमारा सौंफ धनिया। मम्मी